आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पिज़्ज़ा हम घर पे बनाएंगे और बिना कढ़ाई बिना ओवन के बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये पिज़्ज़ा आपको। तो ये हम जो पिज़्ज़ा बनाएंगे वो तवे पे बनाएंगे। इसके लिए हमको चाहिए हरी मिर्च, गाजर, प्याज। एक बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। दो चम्मच बेसन, दो चम्मच सूजी जो मैंने बारीक पीस रखी है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। और 1 चम्मच मिल्क पाउडर, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे पानी, पानी डाल के थोड़ा बैटर बनाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसका। इसे मिलाएंगे हम अच्छे से। दो मिनट तक हमें ऐसे करना है इसे। और इसमें डाल देंगे हम इनो। ये सारा पानी लग गया इसमें 1 गिलास। और इसको हमें ऐसे मिलाना है। और एक तवा रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और टिश्यू पेपर से हम इसे साफ करेंगे। और इसमें सारा बैटर डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम थाली से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारा कैसा हो जाएगा ये। इसको हम पलट देंगे। और गैस की फ्लेम को बंद करके अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। एक शेजवान चटनी लगाई है मैंने, इसे मैं पूरे में फैला दूंगी इसको। आप और भी डाल सकते हो सेचुआन चटनी, मैंने थोड़ा सा ही डाला है इसमें। इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हो। अब मैं चीज़ इसमें ग्रेट कर दूंगी। चीज़ को मैंने इसमें कद्दूकस कर लिया है। और इसमें लगाती हूँ गाजर। इसमें आप कोई सी भी वेजिटेबल लगा सकते हो। अब लगा देंगे हम इसमें प्याज। और थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे इसमें।
बस कर लेंगे हम चीज को। और फिर इस तवे को फिर से हम गैस पे रखेंगे। और इसको अब हम 3 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। 3 मिनट बाद देखिए हमारा पिज़्ज़ा कैसा हो जाएगा। ये खाने बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। स्पंजी भी है, बहुत टेस्टी भी है। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा बना है।